चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि कमोडिटी बाजार शाम के कारोबारी सत्र में कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और किस कम्युनिटी के अंदर कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे आगे लाभ कमाने की। और आज कम्युनिटीज़ पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स का। नमस्कार अजय जी, सबसे पहले आपसे नॉन एग्री पर चर्चा करना चाहूँगा। और नॉन एग्री में हम देख रहे हैं कि अगर सबसे पहले बात करें गोल्ड सिल्वर की, तो गोल्ड सिल्वर की जो कीमतें हैं कल के मुकाबले आज थोड़ी सुबह के कारोबारी सत्र में फिसली थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि फिर से $2,000 पर जाती हुई नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या जो गोल्ड है अपने जो 2020 का जो रिकॉर्ड है $2,075 का, क्या वो तोड़ पाएगा अभी भी? क्या गोल्ड इतनी ताकत रखता है? देखिए, अगर सोने की बात करें तो सोने की ताकत काफी मजबूत है। हमने 2006 से हमने देखा था कि $680 से मार्केट चलना चालू हुआ था, जो 2011 में 1920 का लेवल छुआ, जो करीबन 180% की तेजी बताई है जी। अगर मैं 2016 का लो जो 1045 का था, यहाँ से भी अगर मैं सोने को 180% का जंप देखूं तो कहीं ना कहीं $2,900 तक जा सकता है। और करीबन अब हम है $2,000 में, मतलब $800-900 की तेजी, मैं ये नहीं बोलता एक ही दिन में आ जाए, बट इट विल टेक अनदर कपल ऑफ इयर्स। दो साल के अंदर अगर हम बात करें तो $900 की तेजी तक गोल्ड आ सकता है। तो ओवरऑल हम जो अभी सिनेरियो बना हुआ है, हायर इन्फ्लेशन रेट जो हमने देखा है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइजेस के, ज्यादा करके हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ता है और इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा जो साथी होता है वो सोना ही होता है। जियो पॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, सेंट्रल बैंक में कंटिन्यू बाएंगे, इक्विटी मार्केट में आज तेजी जरूर है, बट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं अनसर्टेनिटी बनी हुई। अगर मैं $2,900 तक का ही टारगेट लेके चलूं तो सोना हो जाता है करीबन 75,000 से 76,000 तक का लेवल। तो ओवरऑल मुझे लगता है सोने में अभी भी तेजी कायम है, रहेगी। और सोने का अब तक का जो चाल रही है आज तक का, वो ज्यादा करके हम देखते 3-4 सालों का रहता ही रहता है। तो आई थिंक मार्केट अभी भी तेजी के रुख में है और कंटिन्यू रहेगा। हाँ, वॉलिटिलिटी होने की वजह से आप पोजिशन जो भी बनाओ वो थोड़ा सोच कर समझ के और हार में कंट्रोल कर सके उतना ही करके चलना चाहिए। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है ये जो तेजी है वो आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई दिखाई देगी जी। तो अजय जी, आपको क्या लगता है, अगर पूरे साल 2022 की ही बात करें तो ये जो करंट सिनेरियो बनता नजर आ रहा है मार्केट में और जो नए सेंटिमेंट्स बने हैं, तो इनके अकॉर्डिंग गोल्ड 2022 में क्या लेवल दिखा सकता है अगर घरेलू वायदा की बात की जाए तो? देखिए, एज ऑफ नाउ हम लोग थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेके चलते हैं बिकॉज सभी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर 2022 के अंत तक की बात करें तो कंजर्वेटिवली मुझे लगता है $2,300 तक का लेवल गोल्ड दिखा सकता है। और रुपया अगर मैं समझता हूँ कि 77 की रहे, तब भी हम 62,000 तक का लेवल हम ईयर एंड तक देख सकते हैं सुबह में। तो उसको कंजर्वेटिव टर्म पर लेता हूँ मैं तो 60,000 से 62,000 का रेंज होना चाहिए जो ईयर एंड तक गोल्ड दिखा सकता है जी। इसी के साथ अजय जी, बात करें यहाँ से अगर आप क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में भी देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर की तरह हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कल को हमने क्रूड को $139 तक ट्रेड करते हुए देखा था, आज देख रहे हैं कि थोड़ी नरमी देखने को मिली थी। ईरान की न्यूक्लियर डील अभी तक रिवाइव नहीं हुई है, उस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। दूसरा, UAE कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाने को लेकर उसके पक्ष में है। तो अजय जी, आपको क्या लगता है, क्या इससे जो सप्लाई है वो थोड़ी बढ़ पाएगी अगर ऐसे फैसले सामने आते हैं? देखिए, पहला चीज है क्रूड की सप्लाई बढ़नी चाहिए, ये कोशिश तो पिछले 2-3 महीनों से की जा रही है जी, बट ऐसा सिनेरियो अभी तक बना नहीं है। और दूसरा, ऊपर से 2 दिन पहले जो अपडेट आया है जहाँ पे रशिया की जो एनर्जी है वो UK ने और US ने बताया कि हम नहीं लेंगे, अगर नहीं भी लेते तो वो भरपाई की कहाँ से जाएगी? तो हम जैसे आपने कहा है कि ईरान है, वेनेजुएला है, इराक है, यहाँ से सप्लाई तो भर सकती है, बट सबके अपने अपने कंडीशंस बने हुए हैं। ईरान बोलता है जब तक
सेंक्शन नहीं हटेंगे तब तक मैं सप्लाई नहीं बढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब अनसर्टेनिटी बना है, तो अगला महीना दो महीना काफी क्रूशियल होने वाला है। अगर की मार्केट में सप्लाई नहीं बढ़े, मुझे लगता है प्राइजेस करीबन $100 के ऊपर ही रहेगा, जो अपसाइड के अंदर हो सकता है $156-$107 का लेवल भी दिखा दे। अजय जी, ओपेक की बैठक हाल ही में हुई थी, ओपेक ने फिर से कोई सहमति नहीं दिखाई थी प्रोडक्शन बढ़ाने पर। हालांकि ओपेक की बैठक कई बार हो चुकी है जिसमें ओपेक ने फैसला ना बढ़ाने, जो उत्पादन है कच्चे तेल का वो ना बढ़ाने का फैसला दिया है, जो अपना पुराना प्लान था उसी पर ही स्टिक टू रहने का फैसला किया है। जबकि पूरे ओपेक और उसके सहयोगी देशों को पता है कि कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो थोड़ी डिस्टर्ब है, मार्केट में इतना क्रूड है नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो तेजी है ये इसलिए बनाई जा रही है कि ऊंची कीमतों वाली मार्केट को कैप्चर किया जा सके? देखिए, ज्यादा करके ये चीज मैं नहीं मानता हूँ कि ऊंचे भाव में बेनिफिट है, क्योंकि आप कभी भी देखिए जब भी भाव में कोई बड़ी तेजी आ जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न ये भी बन जाते हैं कि अल्टरनेट पीपल शिफ्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैस पे हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हो गए, सोलर पे हो गए, तो अल्टरनेट्स मिलने चालू जाते। तो ज्यादा करके देशों का यही कहना रहता है कि हम बैलेंस इस अप्रोच में रहते कि कहीं ना कहीं शिफ्टिंग भी नहीं हो। तो आई थिंक अभी तो ऑल ऑफ अ सडन जो ये रशिया वाला इश्यू जो हुआ है, क्योंकि रशिया अपने आप में 10.2 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन शेयर करता है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो आई थिंक इसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा ये कंसर्न हुआ था, बट इट विल टेक टाइम टू सॉल्व। तो मुझे लगता है कि टाइमिंग तो मार्केट कोशिश की जा रही है, रिजर्व से भी निकालने की बातें हो रही है, सब चीजें हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा मार्केट एक बार कंसर्निंग लेवल्स पे है, बट मे बी अगले कब दो महीने के अंदर अंदर ये सीनरी थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखेगा। जी, इसके साथ अजय जी बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हमने निकल में सबसे ज्यादा तेजी बनते हुए देखी। निकल $1,00,000 प्रति टन के पार जा चुका था LME पर, जिसकी वजह से उसको निलंबित भी किया गया उसका वायदा। आपको क्या लगता है, अब ये जो खबरें निकल के सामने आई है कि जो निकल वायदा है वो यूरोपियन आवर्स में ही ट्रेड किया जाएगा, तो इस पर और क्या नया अपडेट है? तो निकल, एल्यूमिनियम, ये सारी कमोडिटी करीबन 13 ऐसी कमोडिटी है जो डायरेक्टली कोरिलेटेड है इस यूक्रेन और रशिया से। तो आई थिंक जो सप्लाई शॉर्ट की वजह से मार्केट के अंदर ये सिनेरियो चालू हुआ था, जो आई थिंक टाइम लगेगा थोड़ा सा मार्केट में क्लियरिटी आने में, बट हाँ जिस दिन से वॉल्टिटी बढ़ी है, निकल इतिहास की पहली ऐसी कमोडिटी बनी होगी जो दो दिन के अंदर पैसा डबल हो गया है, वेट डबल हो गई है। तो आई थिंक जो सप्लाई मेजर रीजन बिकॉज ऑफ दैट ये सीन हुआ है, बट आई थिंक स्लोली एंड स्टडी थिंग्स वुड बी इंप्रूविंग, नो डाउट। LME का वेलकम स्टेप है, क्योंकि ये चीज हम इंडिया में देखते हैं कि कोई भी कमोडिटी में ऐसी हलचल होती तो बैन कर दिया जाता है, बट वो वापस रिस्टोर होने में सालों लग जाते हैं। पर यहाँ पे हमने देखा कि तुरंत 3 दिन के गैप के बाद ही ऐसा स्टेप लिया गया है, तो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। तो आई थिंक जो जियो पॉलिटिकल की वजह से जो जंप आया था वो अब कहीं ना कहीं कूल ऑफ होता हुआ दिखाई देता है। ज्यादा करके हम देखते कभी भी मार्केट माइनस तो काफी होती है, बट बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक ऊंचे भाव की वजह से जो माइनस बन है वो भी अब प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी और मार्केट में स्लोली एंड स्टेडली सप्लाई बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अजय जी, कॉपर में आपको क्या लगता है, क्या कॉपर भी आगे और तेजी दिखलाएगा, क्योंकि कॉपर में भी हमने उच्चतम स्तर लगते हुए देखे हैं? ये करंटली मुझे लगता है पूरे बेस मेटल में देखेंगे तो डिमांड उतनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भाव नहीं टूट रहा, उसका कारण है सप्लाई डिस्टर्बेंस। जी, क्योंकि आज आप देखिए एल्यूमिनियम की भी बात कर लीजिए, आज एल्यूमिनियम ऑटोमोबाइल्स में भी लगता है, पैकेजिंग में भी लगता है, लेकिन आज इसके ऊंचे भाव में बाइंग में इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और एक चीज और है, आज तक के 100 साल के इतिहास में हमने देखा जब जब क्रूड में इतनी बड़ी तेजी आती है तो रिसेशन का काउंट बन जाता है, चाहे हम 2000 की बात कर ले चाहे 2008 की बात कर ले। तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीनों में डिमांड में तो ड्रॉप आएगी, बट भाव में कोई इतना बड़ा फॉल नहीं आएगा, बिकॉज सप्लाई डिस्टर्बेंस जो बना हुआ है वो प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखा रहा है। अजय जी, नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे? देखिए, नॉन एग्री में वॉलिटी काफी ज्यादा है, बट मुझे लगता है चांदी पे ध्यान से, चांदी मुझे एक
और स्क्वीज जैसा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। इंडेक्स में 28 डॉलर का लेवल तोड़ देता है तो मुझे लगता है 32 डॉलर तक का लेवल दिखा देगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम इसी चीज को कंपेयर करके देखते हैं तो पहले भी हमने देखा था कि चांदी 30 डॉलर तक इंटरेस्ट में दिखाई थी। अगर इसी को देखते 28 डॉलर की बात करें तो होता है 76,000 का लेवल। अगर 76 के ऊपर निकल जाती है चांदी तो करीबन 85,000 से 90,000 तक का लेवल ये साल में ही दिखा देगी। और मुझे लगता है करंट मार्केट भी काफी अच्छा है, 2-3 हजार की पूंजी मंडी आप मान के चलिए मार्केट में इतनी ऑलरेडी रहेगी, बस चांदी 85,000 से 90,000 का लेवल हमें ये साल में दिखा देगी। चांदी सबसे टॉप पिक लगती है जी यहाँ। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।